अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज को ला करते हैं शुरू। तो वर्स आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और मेरे साथ जो जितने भी व्लॉग में मेरे जितने भी लोग आए हैं आप सबको उनकी तरफ से भी ईद मुबारक। तो वर्स सबसे पहले मैं आया हूँ जी कब्रिस्तान अपनी दादी जान के लिए, क्योंकि यहाँ से भाई से पुल शूल लेके गए हैं। भाई ये किस तरह का भी दे दो यार, ये तो पुल देनी है भाई, अभी वो डाल रहे हैं, बस ये खोल के दे दो ना, फिर हम लोग नहीं सेट कर सकते। अच्छा हुकुम भाई अभी उधर जाते हैं, तो वैसे अभी कब्रिस्तान में दादी जान के लिए दुआ भी करते हैं, अभी लगाते हैं। तो वैसे देखिए कब्रिस्तान पहुंच गए हैं, देखे बहुत ज्यादा रश है कब्रिस्तान में, तो गाड़ियाँ जो है बाहर रोड पे खड़ी थी, वो जब जाएंगे वो आपको दिखाएंगे। देखे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देखे ये फूल लेनी है अभी दादी जान के कब्र में, इसको लगाते हैं। अभी देखे बहुत ज्यादा रश है, हम लोग दादी जान के एरिया में पहुंच गए प्लॉट में, तो बस दादी जान की कब्र है आगे, कुंभ में थोड़ा आराम से चलने आया। देखे अल्लाह पाक इन सब को जन्नत सब दोस्त नहीं है, और इन सबको जन्नत के बागों में एक बाग था नहीं, तो फिर बस दादी जान की कब्र में जाते हैं। दादी जान की कब्र में पहुँच गए, अभी भाई पानी डालते हैं इसमें, अभी ये पानी भाई पानी डाल के ना इसको फूल भी लगाते हैं और ये भी लगाते हैं, सही पानी रहना घास ख़राब ना हो। तो इस कब्र भी बन चुकी है, आपको मैंने दिखाई दी थी, मैंने कहा अभी ऐसे दिख रही है, और ये पुल भी मैंने लगवाए थे। फिर जब इसको तैयार करते हैं कि बाकी लोग भी आ रहे हैं, कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा रश है। तो भाई अभी ये डाल रहे हैं, थोड़ा ऊपर नहीं करना पोर्ट तक कबर को तैयार हो गए, दुआ करते हैं। घास सूखी थी तो बस मैंने बोला गैलन और भी डाल के पानी से, बस अभी पानी ख़त्म होने वाला है। लेकिन ये हम लोग घर से नहीं जाते, कब्र वाले खुद देखिए सूरी कब्रिस्तान वाले, तो व्यूअर्स अभी हम लोग आए हैं, हमारी जो दादी जान थी उनके भाई और जो अम्मी थी वो भी सिख कब्रिस्तान में उनको दफनाया है, तो उनकी उनका कब्र भी इधर ही है, तो भी इधर भी दुआ करते हैं। देखे ये दोनों इकट्ठे ही हैं, ये हमारे दादी जान का भाई है और ये हमारी दादी जान की अम्मी है, तो भी इनके लिए भी दुआ करते हैं, फिर जाते हैं घर। कब्रिस्तान से भी वापस जा रहे हैं, तो मामू जो हमारे दादी जान के भाई थे उनके कब्र भी गए, जो अम्मी थी उनके कब्र भी गए, तो उसे कब्रिस्तान आप देखें गाड़ियाँ देखें आप बहुत ज़्यादा रश है, उस साइड में भी खड़ी है इधर भी खड़ी है, इतना रश हो जाता है ईद वाले दिन गाड़ियाँ रोड पर ही खड़ी हो जाती है, तो बस अभी घर की तरफ जा रहे हैं। मुझे देखे कब्रिस्तान से आ रहे थे बहुत अच्छे प्यारे प्यारे मोटे मोटे दुम्बे नज़र आए हैं, देखें ये हमारे इलाकों वाले दुम्बे अफगानी, बच्चा भी पठान है। सलाम अलैकुम, तो अभी अभी मैं हूँ यार, टोपी पहनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है माशाल्लाह, बहुत वजनी दुम्बा आ रहा है। चलो कुमाई घर की तरफ,
मतलब अभी ये पुल से चढ़ रहे, अल्लाह खैर करे। ओए हुकुम भाई, 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 शाबाश शाबाश, हुकुम भाई इधर मोड़ दो। तो यार ईद का दिन है माशाल्लाह, ये कितना प्यारा दिख रहा है यार। हम लोग जा रहे हैं यार, कैप पहनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हुकुम भाई से मैंने लिया, हुकुम भाई अभी इधर से नीचे जा रहे, अल्लाह खैर, अल्लाह अल्लाह। चलो चलो चलो, क्लच पकड़ो, क्लच पकड़ो, क्लच पकड़ो। हाँ बंदे अभी बस घर की तरफ जा रहे हैं यार, चार दफा मैंने बोला घर की तरफ जाते हैं। घर जी कब्रिस्तान से आए हैं घर, तो सबसे पहले हम लोग चाचू को घर आए हैं। चाचू को ईद मुबारक दे के हम लोग जा रहे हैं अभी दूसरे बड़े चाचू के घर। हो बस तूफान भी शुरू हो गया, ये देखे बादल आ गए हैं, अल्लाह करे, अल्लाह करे बारिश हो, पर खैरियत की बारिश हो। अभी मैं सैफ और जुबैर जा रहे हैं। जुबैर इधर सबको को ईद मुबारक, तेज बोलो, इधर बोलो, बोलो ईद मुबारक, तेज बोलो। अच्छा चलो, तो जुबैर ने भी ईद मुबारक दे दी। तो जी चाचू के घर से भी आ गए, अपने घर आ गए। तो हुकुम भाई ईद बैठे, हुकुम भाई हाँ बस ईद कैसे जा रहे अभी तक? माशाल्लाह सही जा रहे। अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा। व्यूअर्स को बोलो ईद मुबारक टू ऑल फ्रेंड्स। हां ईद मुबारक टू ऑल फ्रेंड्स। शहजाद सबको बोलो ईद मुबारक, सब का ईद मुबारक। नहीं नहीं ऐसे बोलो, तुम ऐसे बोलो ईद मुबारक टू ऑल फ्रेंड्स, ईद मुबारक टू ऑल फ्रेंड्स। तो अभी व्यूअर्स मेहमान चले भी गए, बहुत ज्यादा आए थे, हम भी अभी यहाँ पे रहेंगे। हुकुम भाई हमारे साथ हैं, देखे हम लोग अपने फ़ोटो शोटो ले रहे थे कि देखते हैं हम लोगों ने कैसे ड्रेसिंग की। आप बताएं, ये वीडियो ज़रा पकड़ो, मेरी ड्रेसिंग आप बताएं, मेरी ड्रेसिंग आपको कैसे लगी? कुछ अजीब सा रंग पहना है वो तो मुझे भी पता है, पर आप बताएं मेरे से सही है? सही है, हाँ, सही है। तुम टोपी कहाँ से लाए हो? कैप, ये कैप मैं बाहर से मंगाया, वो बहुत ज़्यादा दूर से। अच्छा नाम तो होगा बाहर का, किधर से? अच्छा अच्छा। तो अभी बस देखते हैं बाहर, शायद जाए ईद मनाए यार, लोग मना रहे हैं, हम घर में बैठे है ना शहजाद जी। व्यूअर्स अभी मैं नीचे से ऊपर आ गया, बाहर घूम फिर के आ गए। तो व्यूअर्स ये शहजाद के पास था, मैंने बोला एक मिनट दो व्लॉग में लाते हैं। तो व्यूअर्स ईद वाले दिन हम भी छोटे बन जाते हैं, देखो ये देखो कैसी हो रही है। देखिए बस गोलियाँ ख़त्म हो गई हैं, हाँ ये देखो खुद निकल आ जाते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो अभी बस व्यूअर्स खाना भी देती है। तो जी व्यूअर्स खाना दे दिया मेहमानों को, मेहमान बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन 15-20 आदमी थे। तो अभी हमारे साथ फरिया भी मौजूद है। तो फरिया अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। ऐसे बोलो ईद मुबारक टू ऑल फ्रेंड्स, ईद मुबारक ऑल फ्रेंड्स। ये हुकुम भाई वाला सवाल इसे भी किया पर इसको नहीं आता। तो व्यूअर्स हमारा ईद बहुत अच्छा गुजरा, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपका ईद कैसे गुजरा। आज के लिए इतना व्लॉग काफ़ी है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखना। ओके खुदा।